नमस्ते सस्यकाल आदाब वनकम। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड साउंड, टेकिंग ऑल द कोविड प्रिकॉशंस एंड यू मस्ट बी स्टडिंग रेगुलरली बिकॉज सितंबर अक्टूबर यूजुअली एग्जाम सीजन होता है। बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरलीज होते हैं, या फिर कभी कभी कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स भी इसी टाइम पे होते हैं, लाइक ओलंपियाड या NTSC। आई होप आप सबके लिए बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे एंड आई होप आपका एम होगा सारे स्कूल के एग्जाम्स को अच्छे मार्क्स से एस करने का। अब क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यू एस ऑल योर स्कूल एग्जाम्स? देन ऑफ कोर्स अनअकैडमी इज द सॉल्यूशन विद व्हिच यू कैन एस ऑल योर स्कूल एग्जाम्स, ऑल योर कंपिटिटिव एग्जाम्स। आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना हो देन यू कैन क्रैक इट विद अनअकैडमी, बिकॉज अनअकैडमी पे जितने भी एजुकेटर्स पढ़ाते हैं दे आर द टॉप एजुकेटर्स अक्रॉस इंडिया। यानी कि यू लर्न द बेस्ट एंड यू गेट टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट। आप एकदम बेस्ट कंटेंट पढ़ते हैं, आप इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ते हैं। तो जब आप बेस्ट पढ़ रहे हैं और बेस्ट लोगों से पढ़ रहे हैं तो ऑफकोर्स आपके मार्क्स और आपकी प्रोग्रेस, आपकी परफॉर्मेंस को तो इम्प्रूव ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली होना ही है। इसके अलावा अनअकैडमी के और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं और बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अनअकैडमी आपको पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा कोर्स मटेरियल प्रोवाइड करेगा। आपको कहीं भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, गूगल पे डालने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अनअकैडमी आपको पूरा कोर्स स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, पूरा पढ़ाई का मटेरियल प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अनअकैडमी पे डेली टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, MCQs होते हैं, क्विज होते हैं, जिससे आपका सिलेबस रेगुलर बेसिस पे यू नो रिवाइज होता जाता है एंड यू कैन कंटिन्यूसली चेक योर परफॉर्मेंस, चेक योर प्रोग्रेस। आपको कोई भी चैप्टर या कोई भी सब्जेक्ट कितना समझ में आया है। इसके अलावा अनअकैडमी पे यू नो रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, आपके जितने भी अकेडमिक डाउट्स हैं आप सारे पूछ सकते हैं। अनअकैडमी के साथ अगर आप पढ़ते हैं तो वन ऑफ द मेजर बेनिफिट्स इज कि आपको ट्यूशन के लिए कहीं पे भी नहीं जाना है अपने घर से। इतनी गर्मी में या ठंड हो या बारिश हो, आप अपने घर से बैठ के पढ़ सकते हैं आराम से, फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर हाउस एट एनी गिवन टाइम। जब भी आप फ्री हो, आपके घर में जिस भी रूम से आप पढ़ना चाहें, जिस भी पोजीशन में आप पढ़ना चाहें, लेट के पढ़ना हो, बैठ के पढ़ना हो, जैसे भी आपको पढ़ना हो, जैसे आप कंफर्टेबल है पढ़ सकते हो, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं सिर्फ अनअकैडमी पे, जहाँ पे आपको एक 1-to-1 मेंटोर भी मिलता है, जो यू नो आपको 1-to-1 एज अ फ्रेंड आपको पूरा गाइड करते हैं कि कैसे आप अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे यू नो आपको अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी चाहिए, किन किन एरियाज में आप इंप्रूव कर सकते हैं, कहाँ आपने इंप्रूव नहीं किया है, या आपको किस करियर में आगे जाना चाहिए। ये सारे डाउट्स, जितने भी डाउट्स होते हैं, एज अ फ्रेंड आपको आपके मेंटर्स एकदम सॉल्व करते हैं, एकदम आपके एज अ फ्रेंड आपको सारी गाइडेंस देते हैं। तो इतने सारे फीचर्स और कहीं नहीं मिलते हैं, सिर्फ अनअकैडमी पे मिलते हैं एंड दैट इज व्हाई अनअकैडमी इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना है। वहां पे एक सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन होता है, यू इजिली फाइंड इट। वहां पे आप जाके कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। जो भी कोर्स आपको पढ़ना हो उसके अकॉर्डिंग आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एंड अगर आप उन आपको इन सब्सक्रिप्शन के जो ऑलरेडी रीजनेबल प्राइस होते हैं, अफोर्डेबल प्राइस होते हैं इन सब्सक्रिप्शन के, बट अगर आपको इन सब्सक्रिप्शन के प्राइस और कम करने हैं तो आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा, दैट इज PJAIN10। बिकॉज इफ यू यूज माय कोड तो आपको सीधा सीधा फ्लैट 10% ऑफ मिलता है। और सिर्फ ऐसा सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मैम तो सिर्फ SST पढ़ाती है तो ये सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट सिर्फ अगर हमें SST पढ़ना है तो मिलेगा। आपको 7th स्टैंडर्ड का कोई भी कोर्स पढ़ना हो, आप 8th स्टैंडर्ड में हो, आप 11th ग्रेड में हो, या फिर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, माई कोड इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द कोर्सेज इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लास यू आर स्टडिंग और इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट यू वॉन्ट टू स्टडी। आपको जो कोर्स लेना हो उस पर मेरा कोड एप्लीकेबल है। तो अगर आपको ऑलरेडी जो इतने अफोर्डेबल प्राइस होते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के, अगर उस पर भी आपको 10% ऑफ चाहिए तो आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा।
We'll discuss more about the benefits and features of the Unacademy Plus and Iconic subscription towards the end of the video as well. So stay tuned, watch the video till the end. End में मैं आपको subscription के price भी बताने वाली हूँ, कितने price होते हैं, क्या क्या packages होते हैं, कौन से subscription के क्या क्या benefits हैं, क्या features हैं और आप कैसे इनको avail कर सकते हो, इन पे कैसे 10% मिल सकता है आपको, ये सारी चीजें I'll be discussing towards the end of the video. So stay tuned and watch the video till the end. अब मैंने Unacademy के बारे में तो बहुत बातें कर ली, अब मैं थोड़ा सा अपने बारे में भी बता देती हूँ. So my name is Pratiksha Jain and I'm one of the educators at Unacademy. I teach social science to grade 7 and I completed my Bachelor of Arts in Psychology from Lady Shri Ram College, Delhi, Delhi University. So I hope अब आपको Unacademy के बारे में भी सब पता है, आपके एजुकेटर यानी मेरे बारे में भी सब पता है. तो आई थिंक वी आर सेफ टू मूव टूवर्ड्स आवर चैप्टर. टुडे वी विल बी स्टडिंग चैप्टर 2, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स. हिस्ट्री का 7th ग्रेड का जो चैप्टर 2 है, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, वो आज हम पढ़ने वाले हैं. बट बिकॉज ये चैप्टर इतना बड़ा है और आप कंफ्यूज ना हो जाओ इतने सारे कॉन्सेप्ट, इतने सारे टर्म्स, इतनी सारी चीजों को याद रखते रखते, सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव डिवाइडेड द चैप्टर इनटू 2 पार्ट्स. मैंने 2 पार्ट्स में इस चैप्टर को डिवाइड कर दिया है. तो इस वीडियो में हम सिर्फ आधे चैप्टर को ही कवर करेंगे, दैट इज पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 2. इस वीडियो में मैं सिर्फ हाफ चैप्टर करूंगी एंड इस चैप्टर का बचा हुआ हाफ आई विल बी कवरिंग इन पार्ट 2 ऑफ द सेम चैप्टर, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स. तो यहाँ पे हम सिर्फ आधा ही चैप्टर कवर करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम बचा हुआ आधा चैप्टर कवर करेंगे. बिफोर वी मूव ऑन, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस टर्म हिस्ट्री मीन. हम हिस्ट्री का चैप्टर तो पढ़ रहे हैं बट हमें अगर यही नहीं पता होगा कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं, वो किस चीज की पढ़ाई है, वो क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में क्या पढ़ा जाता है, देन हिस्ट्री इज बेसिकली स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट्स. यानी कि जो चीजें पहले किस टाइम पे हो चुकी है, भूतकाल में हो चुकी है, वो अगर हम किसी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं देन दैट इज नोन एज हिस्ट्री. तो हिस्ट्री में नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपनी बुक खोलोगे हिस्ट्री की, या फिर यू नो जब ये हिस्ट्री वर्ड कहीं टीवी पे सुनोगे, फ्रेंड्स से सुनोगे, या फिर हिस्ट्री का एग्जाम देने जाओगे, तो आपको क्लिक करना चाहिए कि यू नो जो भी चीजें होंगी, जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी चैप्टर्स होंगे, ऑल ऑफ देम वुड बी रिलेटेड फ्रॉम द पास्ट इवेंट्स. जो चीजें पहले हो चुकी है उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. नाउ फाइनली लेट्स जस्ट मूव ऑन टुवर्ड्स आवर चैप्टर. तो क्या है, आपको स्क्रीन पे एक मैप दिख रहा है जो कि यू नो इंडिया का काफी पहले का मैप है, जब पूरा इंडिया के बॉर्डर्स, ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स बने नहीं थे, उससे भी पहले का मैप है, जब कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं होते थे, इलेक्शंस नहीं होते थे, उससे पहले का ये मैप है. और इस मैप में आप काफी सारे नेम्स देख रहे हो, काफी सारे लेबल्स देख रहे हो, हम इसकी भी बात करेंगे. बट लेट्स जस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड कि जो 7th सेंचुरी थी, 7th सेंचुरी में बहुत सारी नई नई डायनेस्टीज आई, बहुत सारी नई नई डायनेस्टीज बनी और बहुत सारी रूलिंग डायनेस्टीज इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आई बिटवीन 7th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी. ये जो टाइम पीरियड है 7th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी का, इस टाइम पीरियड में बहुत सारी नई नई डायनेस्टीज बनी. अब ये डायनेस्टीज कौन कौन सी है, सो लेट्स सी. चमंस एक बहुत पावरफुल डायनेस्टी थी उस टाइम की. देन देर वॉज गुर्जर प्रतिहार, देन देर वॉज चंदेला, देन देर वर पारामर्स. साउथ की तरफ अगर थोड़ा चले देन देर वर राष्ट्रकुटास, और एकदम ही साउथ में अगर बात करें देन देर वर चेरास, देर वर चोलास, देर वर पांड्यास. एंड थोड़ा अगर आज मॉडर्न टाइम पे जो ये ओडिशा का एरिया है, यहाँ पे था कलिंग डायनेस्टी जो कि भी बहुत पावरफुल डायनेस्टीज है. इन सब डायनेस्टीज के बारे में हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे बट अभी के लिए आप ये समझो कि चमंस, राष्ट्रकुटास, चंडेलास, गुर्जर प्रतिहार्स, ये इस टाइम की 7th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी की जो भी रूलिंग डायनेस्टीज थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थी जो इस टाइम पे इमर्ज हुई, इस टाइम पे यू नो इस्टैब्लिश हुई. अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, क्या बात तो मैम डायनेस्टीज की कर रही है, कौन कौन सी नई नई डायनेस्टीज इस टाइम पीरियड के बीच में आई. तो
क्वेश्चन आ रहा होगा कि डायनेस्टी वर्ड का क्या मीनिंग है। हालांकि आप ये सब चीजें पहले भी पढ़ चुके हैं सिक्स स्टैंडर्ड में, बट फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। डायनेस्टी का मतलब होता है ऐसे रूलर्स, ऐसे राजा महाराजा जो सेम फैमिली से ओवर द ईयर्स बनते जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मौर्य डायनेस्टी की मैं बात करूं तो मौर्य डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर थे चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनके बेटे बिंदुसार मौर्य राजा बने, फिर उसके बाद अशोक द ग्रेट राजा बने। तो ये एक ही फैमिली के तीन राजा बने, पहले चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसार मौर्य एंड देन अशोक मौर्य। सो ये अशोक जिन्हें पॉपुलरली हम अशोक द ग्रेट वॉरियर के नाम से जानते हैं, तो ये एक ही फैमिली के थे, एक ही मौर्य फैमिली के थे। तो ऐसे रूलर्स जो एक ही फैमिली के वन आफ्टर दी अनदर बनते जाते हैं राजा, उसको हम कहते हैं डायनेस्टी। तो ये सारे रूलर्स मौर्य डायनेस्टी के थे। तो आपको आई होप डायनेस्टी क्लियर होगा, दैट रूलर्स फ्रॉम द सेम फैमिली हु बिकम किंग्स इन अ सीक्वेंस, पहले दादाजी राजा बने, फिर उनके बेटे, फिर बेटे के बेटे राजा बने। तो ऐसे सेम फैमिली के जो रूलर्स रूल करते जाते हैं उनकी एक डायनेस्टी बन जाती है, एंड दैट्स हाउ डायनेस्टीज आर फॉर्म्ड। अब क्या हुआ, हमने देखा 7th सेंचुरीज में ऐसी बहुत सारी नई नई डायनेस्टीज इमर्ज होने लगी, नई नई डायनेस्टीज फॉर्म होने लगी। इसी टाइम पे 7th सेंचुरी के टाइम पे जो लैंड लॉर्ड्स थे, लैंड लॉर्ड्स यानी कि जो एग्रीकल्चरल लैंड थी उनके जो ओनर्स थे या फिर जो वॉरियर्स के चीफ थे, बहुत सारे वॉरियर्स, बहुत सारे बहुत सारे लोग जो आर्मी में थे उनका भी जो एक चीफ था जिन्हें कहते हैं वॉरियर चीफ, ये लोग अलग अलग पार्ट्स में बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स, बड़े बड़े वॉरियर चीफ्स बनने लगे। और इन लोगों को कहा जाने लगा समंत या फिर सबॉर्डिनेट। यानी कि सबॉर्डिनेट अगर मैं मीनिंग देखूं तो सबॉर्डिनेट का मतलब होता है किसी राजा के अंडर, किसी भी कोई पोजीशन वाले के अंडर जो लोग होते हैं उनको सबॉर्डिनेट्स कहते हैं। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके स्कूल में सबसे हेड होता है आपका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के अंडर आते हैं वाइस प्रिंसिपल, एंड देन वाइस प्रिंसिपल के अंडर आते हैं टीचर्स, राइट, एंड देन टीचर्स के भी अंडर आते हैं स्टूडेंट्स। एक पूरी एक हायरार्की बनी हुई है। वैसे ही राजा के अंडर कुछ सबॉर्डिनेट्स होते थे जो वॉरियर चीफ्स होते थे या लैंड लॉर्ड्स होते थे जिनको कहा जाता था समंत। ये छोटे छोटे एरियाज के वहां पे लोग रूल करते थे, राजा इनको छोटे छोटे एरियाज दे देते थे और यहाँ पे ये जो लैंड लॉर्ड्स थे, जो वॉरियर चीफ्स थे जिनको एक स्पेसिफिक टर्म दिया गया है समंत, तो ये समंत वहां पे रूल करते थे। ठीक है, समंत रूल करते थे, लैंड लॉर्ड्स होते थे, वॉरियर चीफ्स होते थे। बट अब क्वेश्चन एक और आता है कि समंत का रोल क्या होता था, व्हाट ऑल ड्यूटीज एंड व्हाट ऑल रोल्स डिड दी समंत परफॉर्म। तो समंत के मेनली तीन रोल्स होते थे। पहला, दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग्स और लॉर्ड्स। आपने कभी देखा होगा आपके टीचर्स भी कभी कभी आपके प्रिंसिपल को थोड़े गिफ्ट्स देते हैं, अगर कोई टीचर्स डे हो या इवन आप भी टीचर्स डे के दिन आपके प्रिंसिपल को हो सकता है पेन गिफ्ट करते हो या चॉकलेट्स देते हो। तो वैसे ही ये जो समंत होते थे यानी कि जो किंग होते थे, रूलर होते थे, उनके सबॉर्डिनेट्स होते थे ये समंत लोग। दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर द किंग्स, एंड इनके ऊपर और कोई ओवरलॉर्ड्स होते थे तो उन सब के लिए इनको गिफ्ट्स ले जाना पड़ता था। इसके अलावा द समंस वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट एट द किंग्स कोर्ट, यानी कि राजा के जो कोर्ट होते थे, जो राजा की दरबार लगती थी, वहां पे भी इन समंत को जाना, पहुंचना, उन कोर्ट मीटिंग्स को अटेंड करना इन समंत के लिए बहुत जरूरी होता था। इसके अलावा अगर राजा कोई वॉर पे जाते थे यानी कि युद्ध वगैरह पे जाते थे तो समंत का एक मेन रोल होता था अपनी मिलिट्री राजा को प्रोवाइड करना, ताकि किंग की जो आर्मी है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाए। सो दीज वर बेसिकली थ्री मेन रोल्स ऑफ समंस। दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर द किंग्स, दे वर एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट एट द कोर्ट ऑफ द किंग्स, एंड दे वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड देयर मिलिट्री, टू प्रोवाइड देयर आर्मी टू द किंग ड्यूरिंग द वॉर टाइम्स। जब कोई युद्ध होता था तो इन्हें अपनी आर्मी राजा को देनी पड़ती थी। तो धीरे धीरे ये जो समंत थे ये धीरे धीरे बहुत अमीर होते गए, उनके पास बहुत सारी पावर्स आने लग गई,
एंड जैसे ही लोगों के पास पावर आने लगी, दे स्टार्टेड गिविंग टाइटल्स टू देयर ओन सेल्फ. तो ये लोग अपने आप को महासमंद बुलाने लगे, महामंडलेश्वर बुलाने लगे, ऐसे और बहुत सारे टाइटल्स थे जो इन लोगों ने खुद को ही दे दिए कि मैं महासमंद हूँ, मेरे पास इतनी पावर है, इतनी वेल्थ है, इतने पैसे हैं मेरे पास, कि आप मुझे सिर्फ समंत मत बोलो, मुझे महासमंत बोलो, मुझे महामंडलेश्वर बोलो. तो ऐसे ये लोग जो है, जैसे जैसे इनकी वेल्थ इंक्रीज होती थी, जैसे जैसे इन समंत के पास बहुत सारी पावर आती थी, दे स्टार्टेड डिक्लेयरिंग देमसेल्व्स एज महासमंत और महामंडलेश्वर. अब कभी कभी अब दो टाइप से डायनेस्टीज फॉर्म होती थी, मेजरली तीन टाइप से, या तो कोई राजा उसकी आगे की जितनी भी जनरेशन है वो जब रूल करती थी तो डायनेस्टीज बनती थी. बट कभी कभी अभी हमने देखा कि ये जो समंत थे ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, इनके पास बहुत वेल्थ आ गई थी, बहुत पावर आ गई थी. तो जैसे जैसे इन समंत के पास इतनी पावर आने लगी, इतनी वेल्थ आने लगी, इन्होंने क्या किया, इनके ऊपर भी जो ओवरलॉर्ड्स थे, देखो मैंने स्कूल के एग्जाम्पल से समझाया था कि प्रिंसिपल एक हेड होता है, प्रिंसिपल को हम समझेंगे एक राजा है किंगडम का, प्रिंसिपल के नीचे होता है वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के नीचे होती है टीचर्स. तो मान लो ये जो समंत है ये टीचर्स है, ओके. अब इन टीचर्स के, इन समंत के ऊपर है वाइस प्रिंसिपल, राइट. तो जैसे जैसे ये समंत और पावरफुल होने लगे, इनके पास बहुत वेल्थ आने लगी, बहुत पावर आने लगी, इन टीचर्स ने यानी कि इन समंत ने क्या किया, जो वाइस प्रिंसिपल था उनको ही हटा दिया उनकी पावर से. यस, इन टीचर्स ने सोचा अब तो मेरे पास इतना पैसा है, अब तो मेरे पास इतनी पावर्स है कि जो वाइस प्रिंसिपल है मैं इसको ही पावर से हटा देता हूँ. तो वैसे ही टीचर्स कौन थे, समंत थे. अब इन 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 समंत ने इनके जो ऊपर के जो लॉर्ड्स थे, ओवर लॉर्ड्स थे, इनके भी ऊपर जो और महासमंत थे या फिर इनके भी जो लॉर्ड्स थे, उन लोगों को पावर से हटाना शुरू कर दिया और अपनी जो इंडिपेंडेंस है, अपना जो रूल है उसको इस्टेब्लिश करने लग गए. ऐसा एक एग्जाम्पल हमें सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से देखने को मिलता है. वहाँ क्या हुआ था, जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी थी, जो राष्ट्रकूटा कम्युनिटी थी डेक्कन पार्ट ऑफ इंडिया में, वो आते थे चालुक्य डायनेस्टी के अंदर में. तो यानी कि चालुक्य डायनेस्टी हो गई हमारे किंग या फिर आप वाइस प्रिंसिपल समझ सकते हैं, और सामंत हो गए राष्ट्रकूटा के लोग. तो इन राष्ट्रकूटा ने क्या किया, जो वाइस प्रिंसिपल थे यानी कि चालुक्य डायनेस्टी, उनको पावर से हटा दिया और खुद ही जो वाइस प्रिंसिपल की जो ड्यूटीज होती थी वो सारी ड्यूटीज परफॉर्म करने लगे. यानी कि जो राष्ट्रकूटा कम्युनिटी थी, जो समंत थे, ये दे वर द सबॉर्डिनेट्स ऑफ चालुक्य डायनेस्टी. बट 8th century में ऐसा एक राष्ट्रकूटा चीफ इमर्ज हुआ जिनका नाम था डांटी दुर्गा. डांटी दुर्गा के जो ओवरलॉर्ड थे यानी डांटी दुर्गा सामंत थे, इनके जो चीफ थे यानी इनके जो वाइस प्रिंसिपल थे चालुक्य डायनेस्टी के, इन राष्ट्र डंटी दुर्गा जो कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के थे, इन्होंने अपने वाइस प्रिंसिपल यानी कि चालुक्य डायनेस्टी के जो ओवरलॉर्ड थे उनको पावर से हटाया और जो वाइस प्रिंसिपल की ड्यूटीज थी यानी कि ये चालुक्य डायनेस्टी की जो जो ड्यूटीज थी ये खुद परफॉर्म करने लग गए. यानी कि इन्होंने परफॉर्म किया हिरण्य गर्भ रिचुअल. एक हिरण्य गर्भ यज्ञ होता है, पूजा होती है, जो सिर्फ चालुक्य डायनेस्टी के लोग ही परफॉर्म करते थे. बट इन दंती दुर्गा ने अपने चालुक्य वाइस प्रिंसिपल को तो हटा दिया पावर से और फिर जो वाइस प्रिंसिपल यानी कि जो चालुक्य डायनेस्टी की जो ड्यूटीज थी वो परफॉर्म करने लग गए. तो ये एग्जाम्पल हमें पता चलता है और उसी तरीके से राष्ट्रकूटा डायनेस्टी फॉर्म हुई थी, इस्टेब्लिश हुई थी. अब एक और तरीके से भी डायनेस्टीज फॉर्म होती है. जो एंटरप्राइजिंग फैमिलीज होती है ना, यानी कि जो बिजनेस फैमिलीज होती हैं, जब वो अपना बिजनेस छोड़ के मिलिट्री स्किल्स, मिलिट्री बनाने लग जाते हैं, किंगडम बनाने लग जाते हैं, तो उस तरह से भी किंगडम्स फॉर्म होते हैं, डायनेस्टीज फॉर्म होती है. अगेन हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है, दो ब्राह्मण्स थे, एक कदम्ब मयूर श्रमण और एक गुजर प्रतिहार हरिचंद्र. ये दोनों ब्राह्मण्स थे. हमने पिछले चैप्टर और पिछली क्लासों में समझा है कि ब्राह्मण्स का एक मेन काम होता है.
होता था संस्कृत टेक्स्ट पढ़ना, संस्कृत चीजें पढ़ना, संस्कृत चीजें लोगों को ब्राह्मण्स को पढ़ाना। तो ब्राह्मण्स का मेजर काम पढ़ना और पढ़ाना ही होता था। बट ये दो ऐसे ब्राह्मण्स थे जिन्होंने पढ़ाई लिखाई, अपना जो ट्रेडिशनल प्रोफेशनल था पूजा पाठ करना, यज्ञ वगैरह करवाना, वो तो छोड़ा और इन्होंने आर्म्स उठा लिए। दे टुक द आर्म्स। टुक द आर्म्स का मतलब होता है यानी कि तलवार उठा लिए, शस्त्र उठा लिए, वेपन्स उठा लिए। एंड इन्होंने फिर अपने ही किंगडम इस्टेब्लिश किए कर्नाटका और राजस्थान में रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो कदम मयूर शर्मन थे उन्होंने कर्नाटका में अपनी डायनेस्टी, अपना किंगडम फॉर्म किया, और जो गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने राजस्थान में अपनी डायनेस्टी इस्टेब्लिश की, राजस्थान में अपना किंगडम इस्टेब्लिश किया। तो जब ऐसी बिजनेस क्लास फैमिलीज अपना ट्रेडिशनल बिजनेस छोड़ के कोई नया काम, यू नो, एक स्टार्टअप वेंचर टाइप से स्टार्ट करते हैं एंड देन दे एक्सेल, तो वैसे ही इन दो ब्राह्मण्स ने किया था। इन्होंने अपनी अपनी डायनेस्टीज अपने अपने एरियाज में फॉर्म की थी, नई डायनेस्टीज बनाई थी। तो आई होप आपको नई नई डायनेस्टीज जो 7th सेंचुरीज से लेके 12th सेंचुरीज में बनी वो सारी अच्छे से क्लियर होंगी। इसके अलावा अब ये जो नए नए राजा बने, यानी कि जो ये नई नई डायनेस्टीज बनी, जैसे कि ये गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण ने अपनी डायनेस्टी राजस्थान में बनाई, और भी जिन चीज़ों की हमने बात की, जैसे जैसे सामंत ने अपने, यू नो, अपने ऊपर जो पोजीशन वाले, उनके ऊपर जो हेड थे, मैनेजर थे, उनको हटा के अपनी एक डायनेस्टी बनाई और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी बनी। तो ऐसे ये जो नए नए राजा बनने लगे, कि नए नए राजा तो बने, इनने अपनी किंगडम अपनी डायनेस्टी से इस्टेब्लिश करी, बट साथ साथ में इन्होंने भी अपने आप को बहुत हाई साउंडिंग टाइटल्स खुद को एक गिफ्ट कर दिए कि यू नो मुझे जब बुलाओ तो महाराजा अधिराज के नाम से बुलाओ या त्रिभुवन चक्रवर्तिन के नाम से बुलाओ। तो ऐसे बहुत भारी भरकम टाइटल्स इन्होंने खुद को ही दे दिए कि जैसे श्री श्री महाराजा अधिराज, यू नो, आपको सीरियल्स एंड मूवीज में भी हमें सब देखने को मिलते हैं, ऐसे इतने हाई प्रोफाइल टाइटल सुनने को मिलते हैं, श्री श्री महाराजा अधिराज पधार रहे हैं, त्रिभुवन चक्रवर्तिन पधार रहे हैं, ये सब चीजें हमें मूवीज और टीवी सीरियल्स में भी देखने को मिलती है। तो जैसे जैसे ये लोग नए नए राजा बनने लगे, अपनी डायनेस्टीज फॉर्म करने लगे, अपने किंगडम्स इस्टेब्लिश करने लगे, साथ साथ इन लोगों ने खुद को ही बहुत हाई प्रोफाइल हाई साउंडिंग टाइटल्स खुद ही को गिफ्ट कर दिए। वो टाइटल्स क्या थे? महाराजा अधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्तिन, ऐसे ऐसे टाइटल्स इन्होंने खुद को ही गिफ्ट कर दिए। अब ये जो राजा थे ये अपनी पावर्स सामंत के साथ शेयर करते थे, पेजेंट्स यानी कि फार्मर्स किसान लोगों के साथ शेयर करते थे, ट्रेडर्स के साथ शेयर करते थे और ब्राह्मण्स के साथ भी शेयर करते थे। अब आपने कभी सोचा होगा या कभी यू नो टीवी सीरियल्स या मूवीज से ही हमें यूजुअली हिस्ट्री आजकल तो जानने को मिलती है, तो आपने कभी देखा होगा कि यू नो टीवी सीरियल्स में कितना राजा को एक यू नो अमीर बताते हैं, इतना वेल्दी बताते हैं। तो कभी आपने सोचा कि राजा के पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं? तो राजा के पास ये पैसे आते हैं उनकी प्रजा से, यानी कि उनके किंगडम में जितने लोग हैं उन्हीं के लोगों से ये पैसे आते हैं, ना काइंड ऑफ टैक्स। अब क्या होता है कि जितने भी पेजेंट्स थे या कैटल कीपर्स थे या आर्टिसंस थे, यानी कि जो किसान थे या फिर एनिमल्स की देखरेख करते थे, दूध दही वगैरह बनाते थे, तो एक रूल होता था कि जितने भी किसान हैं उनकी जो लैंड है, सपोज 1 किलोमीटर लंबी लैंड है, अब इस 1 किलोमीटर में उन्होंने उगाया वीट यानी कि गेहूं, अब जितनी गेहूं उगी है उसका कुछ 20% या 30% किसान को राजा को देना पड़ता था। ये बात हुई फार्मर्स की। ऐसे जितने भी कैटल कीपर्स थे, जितने भी आर्टिसंस थे, वो जो भी चीजें बनाते थे उसका सम परसेंटेज, छोटा सा अमाउंट उन्हें राजा को देना पड़ता था, इन द फॉर्म ऑफ रेंट कह लो या टैक्स कह लो या रेवेन्यू कह लो। तो इस वे में राजा के किंगडम में जितने भी लोग थे उन लोगों को, किंग को यानी कि राजा को, कुछ ना कुछ ऐसे जो भी वो प्रोड्यूस करते थे उसका थोड़ा सा शेयर राजा को देना पड़ता था। तो इन ईच ऑफ दी स्टेट्स
रिसोर्सेज वर ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स. ये प्रोड्यूसर्स कौन थे? पेजेंट्स थे, कैटल कीपर थे, आर्टिसंस थे, एक्सेट्रा, और बहुत सारे लोग थे जो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते थे. सो दीज प्रोड्यूसर्स वर फोर्स्ड टू गिव सम पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस टू द किंग्स. कभी कभी इन लोगों को अपने लैंड ओनर्स को भी ये चीजें देनी पड़ती थी. जैसे सपोज एक फार्मर है जो 1 किलोमीटर के लैंड पे गेहूं उगा रहा है, बट उसने वो लैंड रेंट पे ले रखी है, किराए पे ले रखी है, ठीक है. अब जो उसका लैंडलॉर्ड है, यानी कि जो उस जमीन का एक्चुअल ओनर है, तो उस किसान को, उस ओनर को भी कुछ 30% या 20% वीट उसको भी देनी होगी इन अ फॉर्म ऑफ रेंट. तो इस तरीके से जो सामंत थे और जो राजा थे उनके रिसोर्सेज आते थे एंड रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रेडर्स. रेवेन्यू एक तरीके से हम समझ सकते हैं टैक्स. तो जितना भी टैक्स होता था अलग अलग, वो इन ट्रेडर से, इन किसानों से, इन आर्टिसन से कलेक्ट किया जाता था. अब रिसोर्सेज तो कलेक्ट हो गए, बट इन रिसोर्सेज का से किया क्या जाता था? सो दीज रिसोर्सेज वर यूज अगेन इन 3 things. पहला तो दीज रिसोर्सेज वर यूज टू फाइनेंस किंग्स एस्टैब्लिशमेंट. यानी कि अगर राजा कुछ भी नई चीज बनवाता था, जैसे कोई गार्डन बनवा रहे हैं या कोई पैलेस बनवा रहे हैं, तो ये गार्डन और पैलेस बनवाने के लिए पैसे लगते हैं ऑब्वियसली. तो राजा क्या करते थे, जो इतने उनको उनके किंगडम के लोगों से जो उनको प्रोड्यूस मिलता था, वो राजा अपने पैलेस बनवाने में उस मनी का यूज करता था, गार्डन बनाने में अपने मनी को यूज करता था. इसके अलावा दीज रिसोर्सेज वर ऑल्सो यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स. यानी कि राजा अगर कोई मंदिर बनाते थे या फिर खुद के फोर्ट बनाते थे, किले बनाते थे, तो उन सब के लिए भी ये रिसोर्सेज काम आते थे. इसके अलावा अगर कोई वॉर होती थी, अगर राजा, दो राजाओं के बीच में वॉर हो जाती थी, तो तब भी ये रिसोर्सेज बहुत काम आते थे. तो इन दिस वे रिसोर्सेज वर कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल एंड द रिसोर्सेज वर यूज इन दीज 3 ways. इसके अलावा अब एक और क्वेश्चन हमारे ब्रेन में आना चाहिए, माइंड में आना चाहिए कि ठीक है, हमें ये तो पता है कि रिसोर्सेज लोगों से कलेक्ट होते थे. हमें ये भी पता है कि ये जो रिसोर्सेज कलेक्ट होते थे, इनका क्या यूज था, इनका क्या यूसेज था, हाउ देवर यूज. बट एक क्वेश्चन आता है कि रिसोर्सेज कलेक्ट कौन करता था? ये रिसोर्सेज राजा तक पहुंच तो रहा है, राजा इन रिसोर्सेज को यूज भी कर रहा है, बट राजा तक इन रिसोर्सेज को पहुंचा कौन रहा है? तो आंसर है फंक्शनरीज, यानी कि टैक्स कलेक्टर्स. ये जितने भी टैक्स थे, जितने भी रेवेन्यू कलेक्ट किए जाते थे, उसके लिए अलग अलग टैक्स कलेक्टर्स बनाए जाते थे, या फिर फंक्शनरीज जिन्हें कह सकते हैं. ये फंक्शनरीज लोगों से सारे रिसोर्सेस कलेक्ट करके राजा को दे देते थे. अब ये जो फंक्शनरीज थे, यानी कि ये जो टैक्स कलेक्टर थे, ये जो टैक्स को जो लोग कलेक्ट करते थे, दे वर यूजुअली फ्रॉम अ वेरी इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज. यानी कि दे बिलोंग फ्रॉम वेरी वेल्दी फैमिलीज, पावरफुल फैमिलीज लाइक समंत, महासमंत, एंड दे यूज टू कलेक्ट दीज रिसोर्सेज फ्रॉम द पीपल एंड देन दे यूज टू गिव इट टू द किंग. इसके अलावा ये जो फंक्शनरीज होते थे, दे बिलोंग, एक हेरिडिटरी पोजिशन होती थी. हेरिडिटरी पोजिशन यानी पहले दादाजी टैक्स कलेक्ट करते थे, फिर उनके बेटे टैक्स कलेक्ट करने लगे, फिर बेटे के बेटे भी टैक्स कलेक्ट करने लगे. यानी कि पूरी वन आफ्टर दी अनदर एक हेरिडिटरी, पहले मेरे पापा ने कलेक्ट किया, अब मैं करूंगा, अब मेरे जो बच्चे होंगे वो भी यही काम करेंगे. तो एक हेरिडिटरी होती थी, जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, उसका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, वैसे ही उसको कहते हैं हेरिडिटरी. तो ये जो फंक्शनरीज होते थे, ये यूजुअली एक फैमिली के ही मेम्बर्स होते थे, या कोई राजा के, किंग के जो रिलेटिव होते थे, वो यूजुअली ये टैक्स कलेक्शन का काम करते थे. सो आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा. Now we move towards प्रशस्तीज and land grants. प्रशस्तीज के बारे में हमने थोड़ा पहले के चैप्टर में भी पढ़ा था, but let's quickly revise की प्रशस्तीज होती क्या है. तो प्रशस्तीज बेसिकली आप पोयम कह दो, या फिर ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते थे जहाँ पे राजाओं के अचीवमेंट्स के बारे में लिखा जाता था. सो रूलर्स यूज टू डिस्क्राइब देयर अचीवमेंट्स इन प्रशस्तीज.
काफी टाइम ये प्रशस्ति में जो चीजें लिखी होती थी ये गलत भी होती थी, क्योंकि क्या होता है राजा खुद ही अपनी तारीफ कर रहा है, तो जस्ट इमेजिन अगर हमें कोई अपनी तारीफ करने को बोले तो हम तो कितनी अपनी तारीफ कर सकते हैं ना, मैं ऐसा, मैं वैसी, मैं ये करती हूँ, मैं वो भी करती हूँ, मैं इतनी ब्रेव हूँ, मेरे को ये सारी चीजें भी आती है। अगर हमें कोई अपनी ही खुद की तारीफ करने को बोले तो हम नॉन स्टॉप तारीफ कर सकते हैं। तो वैसे ये जो रूलर्स होते थे ये खुद की तारीफ इन प्रशस्तियों में करवाते थे, तो ऑब्वियसली कभी कभी इन प्रशस्तियों में जो लिखा जाता है वो कभी कभी सच नहीं भी होता था। दीज प्रशस्तीज यूज टू कंटेन इंफॉर्मेशन, दे यूज टू कंटेन डिटेल्स दैट मे नॉट बी यूजुअली ट्रू। अब ये प्रशस्ति लिखते कौन थे? अब राजा तो इतने फ्री नहीं है कि खुद की खुद ही प्रशस्ति लिखते बैठे, तो वो ये काम देते थे ब्राह्मण्स को। तो राजा कह देते थे ब्राह्मण्स को कि मेरे बारे में एक प्रशस्ति लिखो, मेरी तारीफ करते हुए कुछ लिखो, और फिर ये जो ब्राह्मण्स होते थे ये प्रशस्ति को लिखते थे। प्रशस्ति के अलावा, प्रशस्ति लिखने के अलावा ब्राह्मण्स यूजुअली आल्सो हेल्प किंग्स विद देयर एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये जो ब्राह्मण्स होते थे जो प्रशस्ति लिखते थे, तो अब इन ब्राह्मण का काम क्या होता था? प्रशस्ति में राजा की तारीफ करना। अब ये अगर राजा खुश हो जाता था अपनी तारीफ सुन के, तो राजा खुश होके इनको जमीन बांट देता था कि ये वाला प्लॉट तुम्हारा, ये वाला प्लॉट तुम इस ब्राह्मण का। तो ये जो ब्राह्मण होते थे ये राजा के कहने पे ही प्रशस्ति लिखते थे। प्रशस्ति में राजा के जितने भी अचीवमेंट्स हैं, जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उनको लिखा जाता था। और जब उन प्रशस्ति को पढ़ के अगर राजा खुश हो जाते थे, देन दे यूज टू रिवॉर्ड दीज ब्राह्मण्स विद द ग्रांट्स ऑफ लैंड। ग्रांट्स ऑफ लैंड बेसिकली ब्राह्मण्स को लैंड दे देना, प्लॉट दे देना। अब ये जैसे जैसे राजा ब्राह्मण को लैंड देने लगे, तो उनको कॉपर प्लेट पे लिखाया जाता था। तो राजा अगर किसी ब्राह्मण को जमीन देते थे तो उसको कॉपर प्लेट पे लिख दिया जाता था कि सो एंड सो ब्राह्मण को ये वाली जमीन दी जाती है, और फिर उन कॉपर प्लेट्स को ब्राह्मण को ही दिया जाता था। सो इस टाइम पे कॉपर प्लेट्स पे लिखने का भी एक बहुत ट्रेंड शुरू हुआ था। एंड राजा जिन जिनको भी लैंड डिस्ट्रीब्यूट करते थे उन सबका नाम उन कॉपर प्लेट्स पे लिख दिया जाता था। सो प्रशस्तीज बेसिकली मेंट रूलर्स डिस्क्राइब देयर अचीवमेंट्स इन द प्रशस्तीज, बिकॉज रूलर्स देमसेल्व्स डिस्क्राइब देयर अचीवमेंट्स एंड देयर ग्लोरी। दीज प्रशस्तीज डिड नॉट कंटेन इंफॉर्मेशन विच वॉज ट्रू ऑल द टाइम। कभी कभी फॉल्स इंफॉर्मेशन भी प्रशस्ति में पढ़ने को मिलती है। इसके अलावा दीज प्रशस्तीज वर कम्पोज बाय ब्राह्मण्स हु ऑल्सो हेल्प द किंग्स इन द एडमिनिस्ट्रेशनल वर्क। Kings often rewarded Brahmins with the grants of land, and these were recorded on copper plates, which were ultimately given to the Brahmins who received the land. जिन ब्राह्मण्स को ऐसे जमीन मिलती थी उनका नाम कॉपर प्लेट्स पे लिखा जाता था, और ये कॉपर प्लेट ब्राह्मण को ही दे दी जाती थी। यूजुअली प्रशस्ति में जो है हमने देखा और समझा कि प्रशस्तियों में राजाओं की तारीफ की जाती है, बट 12th सेंचुरी में एक ऐसे पोएट हुए, एक ऐसे ब्राह्मण हुए जिन्होंने सिर्फ राजा के पॉजिटिव पॉइंट्स ही नहीं लिखे बट राजाओं के नेगेटिव पॉइंट्स भी लिखे। ऐसे ही पोएट का नाम था कल्हना। कल्हना वॉज अ वेरी क्रिटिकल पोएट। वो सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं लिखते थे बट पॉजिटिव पॉइंट्स से ज़्यादा वो राजाओं के नेगेटिव पॉइंट्स लिखते थे कि ये राजा ऐसा था, इसने ये पॉलिसी बनाई जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं थी, इस राजा में ये कमियां थी, ये राजा इतना गंदा था। तो वो बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट्स राजा के नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा लिखते थे। ऐसे ही 12th सेंचुरी में कल्हना ने एक संस्कृत पोयम कंपोज की, जहाँ पे उन्होंने कश्मीर के जितने भी राजा हुए हैं उनकी हिस्ट्री लिखी। सो इन 12th सेंचुरी देयर वाज अ पोएट नेम्ड कल्हना हु कंपोज्ड अ संस्कृत पोयम कंटेनिंग द हिस्ट्री ऑफ किंग्स हु रूल्ड ओवर कश्मीर। अब कल्हना ने ये पोयम बनाने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का यूज किया, आई विटनेस का यूज किया, यानी कि आंखों देखे हाल किसे उन्होंने जो जो देखा वो लिखते गए, और उन्होंने पहले की जो हिस्ट्री लिखी हुई है वो सब भी यूज करी। बट
Kalhana was a very critical poet. He was very critical about the rulers and their policies. Yani ki kafi negative points, kafi negative aspects bhi wo likhte the. Sirf jo raja the unki tareef hi nahi karte the, unke gunkaan hi nahi karte the sirf pura din. But he also used to write the negative points of the king. He was a very critical poet. तो ये तो बात हुई प्रशस्ति एंड ग्रांट्स ऑफ लैंड की, बट अब क्योंकि हम राजा महाराजाओं के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत अधूरा होगा ये चैप्टर अगर हम वॉर्स के बारे में बात नहीं करें, युद्ध वगैरह के बारे में बात ना करें, बिकॉज राजाओं का तो काम ही होता था युद्ध वगैरह, लड़ाइयाँ, आर्मीज अपनी भेज के लड़ाइयाँ करना, दूसरे एरियाज को कॉन्कर करना, अपनी डायनेस्टी इस्टेब्लिश करना, अपना किंगडम खड़ा करना, ये सब काम होता था राजाओं का. तो अब हम बात करेंगे वॉर की, यानी कि लड़ाइयों की, कॉन्फ्लिक्ट की, युद्ध की. तो क्या होता था, जैसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं. आप आपके फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में गए, ओके, सो यू वेंट टू योर फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी. अब वहां पे केक कटिंग हो रही है, आप आपका फ्रेंड केक तो काट रहा है, बट आपके मन में क्या आ रहा है अंदर ही अंदर, कि जो केक का सबसे बड़ा वाला पीस है वो मुझे मिल जाए, मैं केक का सबसे बड़ा पीस खाऊंगा. वैसे ही सेम सिचुएशन होती थी इन रूलर्स की, इन राजाओं की. ये लोग क्या करते थे, इनके खुद के किंगडम होते थे, बट इनको ऐसा लगता था मैं वो वाला किंगडम भी हासिल कर लूँ, मैं वो वाला किंगडम भी हासिल कर लूँ. तो ईच रूलिंग डायनेस्टी वॉज बेस्ड इन अ स्पेसिफिक रीजन, यानी कि अलग अलग एरियाज में अलग अलग राजा रूल करते थे, अलग अलग डायनेस्टीज इस्टेब्लिश थी, बट दे ट्राइड टू कंट्रोल अदर एरियाज ऑल्सो. खुद का एरिया तो था ही, बट दूसरों का एरिया भी मैं कंट्रोल कर लूँ, उनको भी मैं जीत लूँ, ऐसी इन राजाओं के थॉट प्रोसेस थे, इन राजाओं की थिंकिंग थी. तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल हम देखते हैं. अब अगर आप इस मैप में देखेंगे तो यहाँ पे हमें तीन डायनेस्टीज देखने को मिलती हैं. वेस्टर्न साइड में, यानी कि आज प्रेजेंट डे राजस्थान की बात करें, तो हमें गुर्जर प्रतिहार्स देखने को मिलता है यहाँ पे मैप में. ईस्टर्न साइड में थे पालास, और सदर्न साइड में जैसे कि हमने देखा राष्ट्रकूटा डायनेस्टी इस्टेब्लिश थी. अब तीन डायनेस्टी थी, बट तीनों ये जो कनौज एरिया है इसको पाना चाहते थे. दे वांटेड टू कॉन्कर कनौज. कनौज गंगा वैली के पास का एक एरिया है, और ये तीनों डायनेस्टी कौन कौन सी, गुर्जर प्रतिहार, पाला डायनेस्टी एंड राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, ये जो तीनों डायनेस्टीज हैं, ये एक कनौज एरिया को कॉन्कर करना चाहती थी. इस कारण से, बिकॉज तीन डायनेस्टीज यहाँ पे इन्वॉल्व थी एक एरिया को कॉन्कर करने के लिए, तो हिस्टोरियंस इस कॉन्फ्लिक्ट को ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल भी कहते हैं. ट्राई का मतलब होता है तीन, और स्ट्रगल बिकॉज ये तीनों डायनेस्टीज आपस में युद्ध करते रहते थे. दे यूज्ड टू फाइट विद ईच अदर टू कॉन्कर कनौज, इसलिए ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल भी कहा जाता है. इसके अलावा जितने भी बड़े बड़े राजा होते थे उनको अपनी पावर का भी थोड़ा फ्लॉन्ट करना होता था, थोड़ा शो ऑफ भी करना होता था कि मैं इतना पावरफुल राजा हूँ, या मैं इतनी मेरे पास पावर है, इतनी मेरे पास वेल्थ है. तो वो कैसे अपनी वेल्थ को, अपनी पावर को इन्वेस्ट करते थे, ये जो जितने भी रूलर्स होते थे बड़े बड़े राजा, ये मंदिर बनाते थे. दे स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग टेम्पल्स एंड दे यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट वेरी लार्ज टेम्पल्स. सो रूलर्स डेमोन्स्ट्रेटेड देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग, बाय कंस्ट्रक्टिंग लार्ज टेम्पल्स. और ये टेम्पल्स भी बहुत अमीर होते थे, बहुत चंदा होता था वहां पे, बहुत सुंदर बने हुए ये टेम्पल्स होते थे. अब देखो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम समझेंगे. एक राजा है, उसके पास बहुत पावर है, उसने एक मंदिर बनवा दिया ये बताने के लिए कि मेरे पास कितनी पावर है. अब एक दूसरा राजा है, उसको लगता है मैं इस राजा से और ज्यादा स्ट्रांग हूँ, और ज्यादा पावरफुल हूँ, तो ये बताने के लिए सारे राजा उनके बनाए हुए मंदिर पे अटैक करते थे. क्योंकि बिकॉज टेम्पल वॉज अ सिंबल ऑफ शोइंग हाउ वेल्दी अ रूलर इज, हाउ पावरफुल अ किंग इज, सो अदर किंग्स यूज टू अटैक दोज टेम्पल्स. सो वेन दे अटैक ईच अदर्स किंगडम दे ऑफन टारगेटेड टेम्पल्स विच वर एक्सट्रीमली रिच. तो ऐसे ही एक राजा थे
गजनी एरिया के, अफगानिस्तान एरिया के, जिनका नाम था सुल्तान महमूद। अभी सुल्तान महमूद सेंट्रल एशिया, ईरान, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, इन सारे एरियाज पे अपना रूल करते थे। और ये इंडिया जो है, ऑलमोस्ट इंडिया को हर साल इंडिया पे अटैक करते थे, इंडिया को लूटने आते थे ऑलमोस्ट हर साल। ये अफगानिस्तान से इंडिया, सिर्फ इंडिया को लूटने आते थे और ये अटैक करते थे सोमनाथ टेम्पल पे, जो कि गुजरात में है। तो ये जो सुल्तान महमूद है, ये हर साल इंडिया में आते थे और हर साल सोमनाथ मंदिर में जो खजाना था, सोमनाथ मंदिर जो इतना बड़ा टेम्पल है और आज भी गुजरात में एग्जिस्ट करता है, उस टेम्पल पे हर साल अटैक करते थे। बिकॉज सोमनाथ टेम्पल वॉज अ वेरी रिच टेम्पल, इट हैड अ लॉट ऑफ मनी, बहुत खजाना था सोमनाथ मंदिर में। तो बिकॉज महमूद गजनी वॉन्टेड टू यू नो शो कि मैं बहुत पावरफुल रूलर हूँ, देन ही यूज टू टारगेट रिच टेम्पल्स, पर सोमनाथ मंदिर पे ऑलमोस्ट हर साल अटैक करते थे और सोमनाथ मंदिर को लूट के ले जा लेते थे। अब ये जो सुल्तान महमूद थे, जो हर साल इंडिया पे अटैक करते थे, सोमनाथ मंदिर को लूट लेते थे, इनको वहां के लोगों में बहुत इंटरेस्ट था। तो इनको ना एक शौक था कि जो जो एरियाज में कॉन्कर करूं उनके बारे में, उनके लोगों को मैं जान सकूं। उनको ऐसा बहुत शौक था कि अगर मैंने सोमनाथ मंदिर पे अटैक किया और उसको कॉन्कर किया, तो वहाँ के क्या लोग हैं, क्या उनकी प्रैक्टिस, क्या रिचुअल्स होती है, उनके बारे में मैं जानूं, ऐसी इनको ना इंटरेस्ट था। तो इन्होंने, सुल्तान महमूद ने क्या किया, इन्होंने एक स्कॉलर को हायर कर लिया जिसका नाम था अल बिरूनी। अब इस अल बिरूनी को काम दिया गया कि देखो, जो जो एरियाज में कॉन्कर करूँ, जो जो एरियाज में जीतता हुआ चलूँ, तुम उस एरिया के लोगों के बारे में मुझे लिख कर बताओ। तब इस अल बिरूनी ने क्या किया, अल बिरूनी ने एक बुक लिखी जिसका नाम था किताब उल हिंद, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान, किताब उल हिंद, इस वर्ड से ही हमें पता चल जाता है, किताब यानी बुक, हिंद यानी हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान पे अल बिरूनी ने एक बुक लिखी, हिंदुस्तान के लोगों के बारे में अल बिरूनी ने एक बुक लिखी, एंड दिस बुक स्टिल रिमेन्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री फॉर ऑल द हिस्टोरियंस। जितने भी हिस्टोरियंस हैं जो यू नो हिस्ट्री जानना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, वो इस बुक को आज भी पढ़ते हैं, किताब उल हिंद को, एंड ट्राई टू स्टडी कि उस टाइम पे हिंदुस्तान के लोग कैसे थे, सुल्तान महमूद ने कितनी बार इंडिया पे अटैक किया। ये सारे अकाउंट अल बिरूनी ने इस बुक में लिख कर सुल्तान को गिफ्ट में दिया। और ये बुक आज के टाइम पे भी बहुत यूजुअली रेफर्ड बुक है बाय द हिस्टोरियंस। इसके अलावा और भी बहुत सारे राजा थे जो यू नो यूजुअली वॉर करते थे और दूसरे एरियाज को कॉन्कर करना चाहते थे। तो ऐसी ही एक कम्युनिटी, ऐसी एक डायनेस्टी थी, चाहमानस डायनेस्टी, जिनको आज के टाइम पे हम चौहान कहते हैं। तो जो चौहान डायनेस्टी थी, ये मेजरली दिल्ली और अजमेर एरिया पे रूल करती थी, बट इनको भी यू नो एक अंदर मन में ऐसी एक इच्छा थी कि वेस्टर्न साइड के भी सारे एरियाज को कवर कर ले और ईस्ट के साइड में भी सारे एरियाज को कवर कर ले। यानी कि दिल्ली आज हम देखते हैं तो दिल्ली एकदम बीच में पूरे इंडिया में, तो ये जो चौहान कम्युनिटी थी, ये दिल्ली का जो वेस्टर्न एरिया है उस पर भी रूल करना चाहते थे और जो ईस्टर्न एरिया है दिल्ली के ईस्टर्न साइड, उन एरियाज पे भी रूल करना चाहते थे। बट देवर अपोज्ड बाय मेनी डायनेस्टीज, चालुक्य डायनेस्टी गुजरात की, गाहा डवलास ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इन कम्युनिटीज से, इन डायनेस्टीज से इनका कंटिन्यूसली, चौहान डायनेस्टी का वॉर होती रहती थी, फाइट्स होती रहती थी, कॉन्फ्लिक्ट्स होती थी। चौहान डायनेस्टी यानी कि चाहमानस डायनेस्टी के एक बहुत पॉपुलर रूलर हुए जिनका नाम है पृथ्वीराज थर्ड। इस पे आजकल एक मूवी भी बन रही है जिसमें पृथ्वीराज चौहान अक्षय कुमार बने हैं। बहुत आने वाले टाइम पे हमें ये मूवी देखने को मिलेगी कैसी है, और पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी हमें काफी कुछ जानने को मिल सकता है उस मूवी में। तो वो जो अक्षय कुमार की जो मूवी आने वाली है वो बेसिकली इसी राजा पे है, पृथ्वीराज चौहान या फिर पृथ्वीराज थर्ड, तृतीय पृथ्वीराज भी जिनको कहते हैं। इन्होंने अफगानिस्तान के एक बहुत बड़े राजा,
राजा को हराया था जिसका नाम है सुल्तान मोहम्मद घोरी। इन्होंने 1191 में पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थर्ड ने सुल्तान मोहम्मद घोरी को हराया था। बट 1192 में ये मोहम्मद घोरी के साथ ही लड़ते लड़ते इनकी डेथ हो गई थी, ये मर गए थे युद्ध में ही। तो 1191 में इन्होंने मोहम्मद घोरी को हराया, बट 1192 में मोहम्मद घोरी ने इनको हरा दिया। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। इस पार्ट में अभी हमने सिर्फ चैप्टर का आधा पार्ट ही कवर किया है। We'll be covering next other half of the chapter in next video. That would be titled New Kings and Kingdoms Chapter 2 Part 2. ये Part 1 था chapter का। इस video में मैंने Part 1 पढ़ाया है, first half of the chapter पढ़ाया है, but in the second video I'll be covering the second half of the chapter. So I hope ये chapter आपको बहुत अच्छे से समझ आया, जितना भी अभी मैंने half chapter पढ़ाया है। I hope आपको कोई doubts नहीं है। फिर भी हो सकता है आपके कोई डाउट्स हो, और यू नो इसका एक यही डिसएडवांटेज है प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का कि यहाँ पे मैं आपके डाउट्स सॉल्व नहीं कर सकती। बट आपको कोई डाउट्स हैं तो आप अन अकेडमी की फ्री स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, जहाँ पे आप मुझसे इंटरैक्ट कर सकते हैं और अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये तो एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, यहाँ पे ना तो हम इंटरैक्ट कर सकते हैं, आपको अगर कोई डाउट है तो मैं सॉल्व भी नहीं कर सकती, मैं चाहते हुए भी सॉल्व नहीं कर सकती। बट अगर आपको डाउट्स कोई हैं जो पूछना है या फिर आपको मेरे से इंटरैक्ट करना है, तो आप अन अकेडमी की फ्री स्पेशल क्लासेस में आ सकते हैं। एंड एज द नेम सजेस्ट, ये क्लासेस बिल्कुल फ्री है, आपको एक रुपए भी इन क्लासेस के लिए पे करने की जरूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज डाउनलोड द अन अकेडमी लर्नर ऐप, एंड वहां पे आप जिस भी सब्जेक्ट की फ्री क्लासेस स्पेशल क्लासेस लेना चाहते हैं आप ऐप पे फ्री क्लासेस ले सकते हैं। अब इन फ्री क्लासेस इन स्पेशल क्लासेस के क्या फीचर्स हैं? तो आप पहला तो जैसे मैंने बताया आप एजुकेटर से इंटरैक्ट कर सकते हैं, आप एजुकेटर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लस एजुकेटर भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एजुकेटर्स क्विज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या यू नो फन एक्टिविटीज भी एजुकेटर्स आपके लिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो फ्री स्पेशल क्लासेस में पढ़ने का एक अलग ही मजा होता है, बहुत मजे आते हैं, क्विज होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और आप एजुकेटर से इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो है जिसका मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया, आपके कोई डाउट्स हैं तो मैं सॉल्व नहीं कर सकती, या फिर मैं क्वेश्चंस भी अगर आपसे पूछना चाहूँ तो मुझे आपके आंसर्स नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए अगर यू नो ये जो इंटरैक्शन है, ये जो क्लास का जो माहौल होता है, वो अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो आपको अन अकेडमी की फ्री स्पेशल क्लासेस लेनी पड़ेंगी, विच आर टोटली फ्री, एंड दीज क्लासेस आर अवेलेबल ऑन अन अकेडमी लर्नर्स ऐप। तो आपको सिर्फ अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है और फिर आपको जो सब्जेक्ट की स्पेशल क्लासेस लेनी है आप वो ले सकते हैं बिल्कुल फ्री, एकदम मुफ्त। इसके अलावा अब हम बात करते हैं थोड़े पेड सब्सक्रिप्शन की। अभी तो हमने फ्री क्लासेस की बात की, अब बात आती है पेड सब्सक्रिप्शन की, यानी कि अगर आप अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको थोड़ा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा। बट अगर आप ये अमाउंट पे करेंगे तो आपको मिलेंगे बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे बेनिफिट्स अन अकेडमी के। अब वो फीचर्स और बेनिफिट्स, जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था, वो बेनिफिट्स क्या है, वो फीचर्स क्या है, क्या है अगर आप अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो जैसा मैंने स्टार्ट में भी बताया था, यू लर्न फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर हाउस, आप अपने घर के कंफर्ट से अपने घर में बैठे बैठे किसी भी टाइम पे पढ़ सकते हैं, अन अकेडमी के लेक्चर्स ले सकते हैं। इसके अलावा यू गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू अनलिमिटेड कोर्सेज, यानी कि जैसे मैं तो सिर्फ SST पढ़ा रही हूँ, बट एक बार अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ SST ही पढ़ सकते हो, आप मैथ्स पढ़ सकते हो, आप साइंस पढ़ सकते हो, आप कंप्यूटर सीख सकते हो, आप आगे अगर कोई कंपेटिटिव एग्जाम देना चाहते हो तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। सो अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, एक बार आपको बस सब्सक्रिप्शन लेना है और फिर लाइफ जिंगल आला है।
इसके अलावा जैसे कि मैंने स्टार्ट में भी बताया था, आन अकेडमी पे जितने भी एजुकेटर्स होते हैं, दे आर द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, दे आर हाईली क्वालिफाइड इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड, दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, तो आपको बेस्ट कंटेंट मिलता है और बेस्ट एजुकेटर के थ्रू ये कंटेंट पढ़ाने को मिलता है। इसके अलावा अन अकेडमी का अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं जहाँ पे एंड आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं जहाँ पे आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं, और जो एजुकेटर्स अगर आपसे कोई क्वेश्चंस पूछे तो आप आंसर लिख के भी दे सकते हैं। इसके अलावा प्लस सब्सक्रिप्शन में पूरा सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से एग्जॉस्टिव तरीके से कवर किया जाता है, एंड आपको जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, आपको एक फ्रेंड जैसा मेंटर मिल जाता है। अभी मेंटर, फ्रेंड जैसा मेंटर क्या करता है, ये आपको गाइडेंस देता है, ये आपको मेंटर करता है, आपको आगे के लिए फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करता है, आपको अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए गाइडेंस देते हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए, कहाँ कहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हो, ये सारी गाइडेंस आपको आपका फ्रेंड जैसा मेंटर मिलता है। यानी कि अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन जब आप लेते हैं तो आपको इतने सारे बेनिफिट्स तो मिल ही रहे, प्लस आपको एक लाइफ लॉन्ग के लिए एक फ्रेंड भी मिल जाता है जो आपको एकदम बिल्कुल आपके दोस्त की जैसे सारी चीजें समझाता है, गलत चीजें बताता है और आपको गलत चीजें करने से रोकता है एकदम फ्रेंड के जैसे। तो आपको एक मेंटर मिल जाता है जो आपको फ्रेंड जैसे गाइड करता है। इसके अलावा अन अकेडमी का अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अन अकेडमी स्टडी मटेरियल भी देगी, पूरा स्टडी मटेरियल, जो भी कोर्स आप पढ़ना चाहते हैं उसका पूरा स्टडी मटेरियल अन अकेडमी आपको प्रोवाइड कराएगी। एंड अन अकेडमी पे प्रैक्टिस टेस्ट भी होते हैं, वीकली टेस्ट भी होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, क्विज होते हैं, MCQs होते हैं, इतनी सारी चीजें अन अकेडमी आपको प्रोवाइड करता है। आपका बार बार रिविजन होता जाता है, लाइव टेस्ट सीरीज होती है। आज के टाइम पे इतनी मेहनत सिर्फ आपके रिजल्ट्स इंप्रूव करने के लिए कौन करता है, तो सिर्फ अन अकेडमी करती है। एंड दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया फॉर अ रीजन। अब बात करते हैं, इतने सारे मैंने आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स बता दिए, अब आपको क्या करना है, आपको मुझे अगर खुश करना है तो आपको ये सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, और सब्सक्रिप्शन के सारे प्राइस आपकी स्क्रीन पर हैं। तो अलग अलग पैकेजेस आपको दिख रहे होंगे, 6 मंथ्स का पैकेज है, 12 मंथ्स का पैकेज होता है, 15 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स, अलग अलग पैकेजेस हैं। आपको जो कोर्स पढ़ना हो आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप कोई भी पैकेज ले सकते हो, सारे प्राइस आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। और अगर ये ऑलरेडी जो इतना अफोर्डेबल प्राइस है, इतने जो सस्ते प्राइस हैं इन पैकेजेस के, अगर आपको इस पे भी डिस्काउंट चाहिए तो आपको यूज करना पड़ेगा मेरा कोड विच इज PJAIN10 विच इज ऑल्सो मैंशन एट द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन। अगर आप मेरा एक कोड यूज करते हैं तो आपको सीधा सीधा 10% ऑफ मिलेगा जो भी पैकेज आप लेते हैं, जिस भी क्लास के लिए पढ़ते हैं, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, उन सारे सब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लास, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कोर्स, हर पे ये 10% अवेलेबल है। यानी कि आपको ये बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं कि मैम तो सिर्फ SST पढ़ाती है और सिर्फ 7th स्टैंडर्ड को पढ़ाती है तो सिर्फ 7th स्टैंडर्ड पे ये कोड एप्लीकेबल होगा, नहीं। अगर आपको आगे भी कोई कंपेटिटिव एग्जाम प्रिपेयर करने हैं, या फिर आपको 8th स्टैंडर्ड की पढ़ाई करनी है, या आपका कोई बड़ा भाई या बहन है उनको पढ़ाई करनी है, तो आप उनको बेझिझक मेरा ये कोड दे सकते हैं, एंड दैट इज PJAIN10। अगर आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको सीधा सीधा 10% ऑफ मिलेगा। तो ये तो बात हुई अन अकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन की। अब एक और टाइप का सब्सक्रिप्शन होता है जो कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, जहाँ पे थोड़े से बेनिफिट्स, थोड़े से कंफर्ट्स, थोड़ी सी लग्जरी और होती है। तो ये क्या बेनिफिट्स होते हैं, अगर आप अन अकेडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलता है। प्लस सब्सक्रिप्शन में तो क्या था, सिर्फ आपको बहुत सारे बच्चों को कलेक्टिवली एक मेंटर मिलता, बट यहाँ पे आपको एक पर्सनल मेंटर मिलेगा जो आपको पर्सनली गाइड करेगा एकदम लाइफ लॉन्ग फ्रेंड के जैसे, कि कहाँ तुम्हें इम्प्रूव करना चाहिए, कहाँ तुम्हें इम्प्रूव नहीं करना चाहिए, कैसे यू शुड इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, या आपके जो भी डाउट्स आप इनसे भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, यानी कि जो प्लस सब्सक्रिप्शन था वहाँ पे तो रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशन थे, यानी कि वीक में एक दिन हो गया, दो दिन हो गए,
बट यहाँ पे लाइव डाउट आप जैसे जैसे पढ़ रहे हैं वैसे वैसे अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी आपको वीकली रिपोर्ट्स भी प्रोवाइड करेगा अगर आप अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं। अब इन वीकली रिपोर्ट्स में क्या होगा, तो वीकली रिपोर्ट्स में ये होगा कि आपने थ्रू आउट द वीक जैसे भी परफॉर्म किया है, थ्रू आउट द वीक हाउ एवर यू वॉज योर परफॉर्मेंस, हाउ एवर यू परफॉर्म, वेदर यू इम्प्रूव्ड इन सम एरियाज और वेदर यू नीड इम्प्रूवमेंट इन सर्टेन एरियाज, इसकी पूरे की एक एनालिसिस, पूरे की एक रिपोर्ट बना के अनअकैडमी आपको वीकली बेसिस पे रिपोर्ट देता है। एक सबसे दो सबसे बड़े इनफैक्ट दो सबसे बड़े बेनिफिट्स जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के हैं, वो पहला बेनिफिट तो ये है कि यहाँ पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में सिर्फ बच्चों के डाउट्स तो क्लियर होते ही हैं बट साथ साथ बच्चों के पेरेंट्स के भी डाउट्स सारे क्लियर होते हैं। यानी कि एक पेरेंट और एजुकेटर का भी एक मीटिंग होती है जहाँ पे पेरेंट्स कैन आस्क ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चन, मैं अपने बच्चों को आगे किस करियर फील्ड में डालूं, क्या इनकी कोचिंग होनी चाहिए, क्या इनकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पेरेंट्स के दिमाग में हमारे लिए होते हैं। तो फ्रेट नॉट, अनअकैडमी का अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पे पेरेंट्स के भी सारे डाउट्स क्लियर होते हैं, एक पेरेंट और एजुकेटर का कनेक्ट होता है, बेसिकली पेरेंट्स और एजुकेटर की एक मीटिंग होती है जहाँ पे पेरेंट्स कैन आस्क ऑल सॉर्ट्स ऑफ देयर क्वेश्चंस और क्वेरीज दे हैव रिगार्डिंग देयर चाइल्ड फ्यूचर या कुछ भी उनके पढ़ाई से एकेडमिक रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। सेकंड सबसे बड़ा बेनिफिट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का ये है कि अनअकैडमी आपको पूरा एक स्टडी प्लान बना के देगी कि इतने महीने में ये चैप्टर कवर करने चाहिए, इस वीक में आपको इतने चैप्टर्स कवर करने चाहिए। जब आपके पास पूरा एक टाइम टेबल, पूरा एक स्टडी प्लान होता है तो यू कैन कंपेयर योर परफॉर्मेंस कि क्या इस पूरे वीक में मैं इतने चैप्टर्स कवर कर पाया या कर पाई, क्या मेरी जो मेरी परफॉर्मेंस है वो इज इट कॉन्ग्रुएंट विद द स्टडी प्लान, क्या वो ट्रैक एकदम मैच होती है कि एक वीक में अगर अनअकैडमी के स्टडी प्लान में दिया है कि चार चैप्टर्स आपको एक वीक में कवर करने चाहिए तो एट द एंड ऑफ द वीक यू नो कि क्या मैं चार चैप्टर्स कवर कर पाया या कर पाई। तो एक अनअकैडमी आपको पूरा एक स्टडी प्लान बना के देता है ताकि आप मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे अपनी जो स्टडी है, पढ़ाई, उसको ट्रैक कर सके। इसके अलावा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस सब्सक्रिप्शन के जितने भी फीचर्स हैं वो सारे फीचर्स आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में भी मिलते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तब तो लाइफ एकदम ही जिंगा लाला, एकदम ही मस्त टनाटन, एकदम मस्त एकदम। और अगर अब आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है तो प्राइस आपकी स्क्रीन पर है, अलग अलग पैकेजेस हैं, अलग अलग पैकेजेस के रेट्स दे रखे हैं और अगर इनको आपको 10% अवेल करना है तो आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा, दैट इज PJAIN10 विच इज मेंशन एट द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं कोई भी पैकेज लेने में, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने पे, तो आपको 10% ऑफ मिलता है। और अगर आप अपनी स्क्रीन के राइट हैंड साइड वाले मोबाइल को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो 10% डिस्काउंट होने के बाद रेट्स कितनी कम हो गई हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मोबाइल है जिसमें ओरिजिनल रेट्स हैं, राइट हैंड साइड में वो रेट्स 10% कम होने के बाद क्या रेट्स हो जाएंगी वो सब आपको स्क्रीन के ऊपर विजिबल है। तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, इतने रीजनेबल प्राइस हैं पैकेजेस के और इतने सारे बेनिफिट्स हैं इतने कम प्राइस पे। तो आपको अगर अपने रिजल्ट्स इंप्रूव करने हैं तो आपको तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा। आप प्लस सब्सक्रिप्शन लो या फिर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लो, आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा जिससे 10% डिस्काउंट मिलेगा। और आपको काइंड ऑफ ट्रायल क्लासेस चाहिए तो आप अनअकैडमी के लर्नर्स आप पे फ्री स्पेशल क्लासेस कभी भी किसी भी टाइम पे ले सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री होती है, काइंड ऑफ ट्रायल क्लासेस होती हैं कि कैसा अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे तो कैसा पढ़ाया जाएगा। तो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड, आई होप आप जल्दी जल्दी सब्सक्रिप्शन लेंगे, मुझे और ज़्यादा हैप्पी करेंगे। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अनअकैडमी के क्लास अपार्ट चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे। एंड इफ यू हिट द बेल आइकन यू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम द अनअकैडमी चैनल, सो डू नॉट मिस आउट ऑन एनी अपडेट्स। हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड वी विल मीट नेक्स्ट टाइम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।
Together, you and us can crack any exam. So let's crack it with an academy. Thank you so much. That's all from my end.